यहाँ से मास्टर पेजेस पर जाएंगे, इसके बाद आप अपन अभी जो भी कर रहे थे वो मास्टर पेजेस पर ही कर रहे थे, ये देखिए सभी पेजेस पर आ गए। ठीक, अपन इसको कंट्रोल ए कर रहे हैं और डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, आपको अगर वो मास्टर बटन मार्क देना है तो आपको सबसे पहले जाना रहेगा मास्टर पेज पर, एल आर पर। ठीक है, आप यहाँ पर टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट साइज बढ़ाने के लिए अपन यहाँ से टेक्स्ट साइज पहले ही बढ़ा लेते हैं, जैसे कि हमने कर दिया 36। आपको क्या लिखना है बटन मार्क में वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, आप चाहते हैं कि हमें बटर मार्क में शो कराना, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। किससे सिलेक्ट करेंगे? टेक्स्ट टूल से, सॉरी टेक्स्ट टूल से नहीं, मूव टूल से सिलेक्ट करेंगे और आप इसको यहाँ से उठाकर यहाँ भी रखना चाहते हैं, किससे रखेंगे? मूव टूल से। ठीक है, बीच में अगर ऐसे ही देना है सीधा सीधा तो आप इस तरह से देखिए सभी पर आ, लेकिन बटन मार्क आपने देखा है कैसा रहता है, लाइट रहता है, थोड़ा सा लाइट रहता है, तिरछा रहता है। तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप रोटेशन टूल सिलेक्ट करेंगे, इसको आप यहाँ से इस तरह से रोटेट कर लेंगे, लेकिन इससे आप मूव नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। अगर आपको मूव करना है तो आपको मूव टूल ही देना पड़ेगा, वैसे अभी सही आ गया। अभी आप देखेंगे लेफ्ट वाले जितने भी पेजेस होंगे सभी पर आपको वाटर मार्क देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर जैसे कि हम अभी यहाँ पर हैं, आप देखेंगे कि इसके ऊपर अगर आप कुछ लिखेंगे तो लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लिख भी सकते हैं, लेकिन यहाँ से अगर आपने डिलीट कर दिया तो सभी पर से डिलीट हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पर यहाँ से भी कर सकते हैं, इसका टिंट कम करना पड़ेगा क्योंकि वाटर मार्क थोड़ा सा लाइट रहता है। कलर चेंज करना है तो वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल के साथ जे प्रेस करेंगे, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आपको ज्यादा कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको जैसे कि इसका कलर क्या रखना है, जैसे ब्लू रखना है, यहाँ पे ब्लू हो जाए। आप देख रहे हैं इसका टिंट कितना है, 100% है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग कम कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है, इसमें प्रीव्यू अपन यहाँ से 55% कर देंगे और क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब आपको ये स्पेस पर भी चाहिए, तब आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ सी दबाएंगे और कंट्रोल के साथ बी दबाएंगे। इसको उठाकर स्पेस पर रख देंगे, एडजस्ट कर लेंगे आप, एरो की से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको ऊपर नीचे करना है थोड़ी बहुत अगर आपको प्रॉब्लम आती है। कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल बी से पेस्ट करते हैं, तो आप देखेंगे ये सभी पेजेस पर आपको वाटर मार्क देखने को मिल जाएगा। अगर आपको हेडर देना है तब भी आप यहाँ से मास्टर पेज पर देंगे, मतलब ऐसी कोई भी चीज जो आपको सभी पेजेस पर चाहिए तो वो आप यहाँ से मास्टर पेजेस पर देंगे। बस मास्टर पेजेस का यही यूज है, आप इसको प्रिंट वगैरह नहीं कर सकते, मतलब ये आपके उसका डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं है जब आप उसको सेव करेंगे या कुछ भी, लेकिन बस ये किस लिए यूज किया जाता है कि आपको इस पे जो भी देना है वो सभी पेजेस पर शो कराना है, तब आप यहाँ पे मास्टर पेज का यूज कर सकते हैं। आपके उसमें बुक में भी है मास्टर पेज क्या होते हैं।